मैं शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब आपको ले चलते हैं यूपी के प्रयागराज जिले के ऐतिहासिक धरती जिसका नाम है फूलपुर। जी हाँ, हम उस फूलपुर की बात कर रहे हैं जिस फूलपुर ने पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को पहली बार फूलपुर से जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वह चुनाव भी हार गए हैं और आचार संहिता लगने के पहले ही पद मुक्त व्यक्ति हो जाता है राजनीति के अखाड़े में। इसी को ध्यान में रखकर हमने केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे पूर्व डिप्टी सीएम लगा दिया। जी हाँ, अब तो चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम यह हुआ कि वह अपना गृह जनपद भी नहीं बचा पाए। जी हाँ, हम उसी फूलपुर धरती की बात कर रहे हैं और खबर है फूलपुर के नारायणपुर ग्राम सभा से, जहाँ ग्राम सभा नीबी खुर्द नारायणपुर के नाम से जानी जाने वाली, जहाँ पर राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर अपने को स्थापित करते हैं, वहाँ से प्रयागराज के गंगापार विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी जी प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से उत्साहित दिखे और जब हमने व्यक्तिगत उनसे सवाल किए तो उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाले जवाब दिए। जब हमने उनसे प्रवीण पटेल के मंत्री बनने को लेकर सवाल किया तो इस पर भी उन्होंने बेबाक कहा। बिल्कुल, माननीय विधायक प्रवीण पटेल जी को निश्चित इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मंत्री बनाना चाहिए। क्या कुछ कहा संतोष त्रिपाठी जी ने, आइए दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। आप देखते रहें प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता ही नहीं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी और आपको पुनः आपको लेकर आ गया हूँ आज उस काले चिट्ठे का एपिसोड चल रहा है जिसका नाम है खुशी। हाँ, वही खुशी जो उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर बाबा को भारी बहुमत से जिता चुकी है जनता। हम अभी आपको फूलपुर क्षेत्र के ही दो समर्थकों से बात किए और उनकी बातों को सुनाए। अब हम पुनः एक और समर्थक जो आरएसएस के प्रयागराज के गंगापार के जिला अध्यक्ष के नीचे वाला पद उपाध्यक्ष जिसको कहा जाता है, उपाध्यक्ष यह भी साधारण पद नहीं है जिला लेवल का, तो संघ जो राष्ट्र में जाना जाता है, माना जाता है, वह संघ जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सदस्य हुआ करते थे छोटे से, उसी संघ के एक कार्यकर्ता संतोष कुमार त्रिपाठी आप फूलपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और नारायणपुर ग्राम में निवास करते हैं। सर, आप मुंबई में रहे, शुरू वहीं से करते हैं जी। तो आप तो आरएसएस से पहले, हमको जहां तक जानकारी है कि महाराष्ट्र में कौन सी जनता शिवसेना से ही रहे हैं, तो यह जागृति कैसे हुई? चुनाव पे तो हम बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब बहुमत से सरकार बनाए हैं अपने निर्णायक भूमिका से, तो कहां से यह प्रेरणा मिली कि आपको राष्ट्र के लिए ही काम करना है, क्योंकि यह दोनों संस्थाएं तो राष्ट्र के लिए काम करती हैं। मुझे प्रेरणा तो इसे बाला साहब ठाकरे से मिली थी, जो कि आज बाला साहब ठाकरे के न रहने की वजह से शिवसेना का ये हुआ, हिंदुत्व का जो है इतना बड़ा वहाँ पे चेहरा था, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे लगा कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे अब नहीं रहे और शिवसेना का कोई, अब उनके उद्धव ठाकरे को आप जानते हैं, उनके बेटे में वो दम नहीं रहा, मुझे लगा कि हमें किसी ऐसी संगठन से काम करो, विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या आरएसएस, मतलब ये सारे में से किसी में से ऐसा काम करो जहाँ मैं अपना जो है पूरा समय दे के हिंदुत्व के लिए कुछ करूँ। दूसरी बात, आज की जीत बीजेपी की ही जीत नहीं है, ये राष्ट्र की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है और लोकतंत्र की जीत है, और इससे हमारे देश के अंदर में, हमारे प्रदेश के अंदर में एक शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लोगों में जागरूकता बनी रहेगी, नहीं तो केवल डकैती चोरी बदमाशी इसी का जो है हमेशा जो है ये प्रदेश शिकार रहा है। आज परिवर्तन धीरे धीरे, हिंदुत्व की जीत है और लोकतंत्र की जीत है, और इससे हमारे देश के अंदर में,
हमारे प्रदेश के अंदर एक शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लोगों में जागरूकता बनी रहेगी, नहीं तो केवल डकैती, चोरी, बदमाशी इसी का जो है हमेशा जो है ये प्रदेश शिकार रहा है। आज परिवर्तन धीरे धीरे हमारे प्रदेश के अंदर में आ रहा है, ये हमारे ही लिए नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, हमारे जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ऐसा नहीं है, मुसलमान में भी आम आदमी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उनके तबके में कुछ लोग अराजकताओं का जो है विश्वास रखते हैं, अराजकताओं को विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज की जो जीत है वो राष्ट्रवाद की जीत है, वो हिंदुत्व की जीत है। बोलो जय जय श्री राम। आप सुने कि आप बाला साहब ठाकरे से प्रेरित हुए और आपने जीत की शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम के नारे भी लगा चुके। सर एक बात बताइए, इतना बड़ा बहुमत, अखिलेश यादव जी जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तभी बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू किए और चुनाव मतगणना से पहले ईवीएम तक पहुंच गए, तो ईवीएम पे सवाल उठाना कितना सही है कितना गलत, बहुत कम शब्दों में बताएं। देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना उनका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि अगर ईवीएम होता तो जहाँ जहाँ पे प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे इनको जो 130 132 जो सीटों पे इन्होंने बढ़त बनाई है, अगर ईवीएम का ऐसा होता तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में भी अच्छे अच्छे नेता जो है हार की कगार पे पहुंच चुके थे। तो आपने सुना मोती सिंह, आप जानते हैं चर्चित नाम, आज सुबह से टीवी स्क्रीन पे दिख रहा था, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत छोटा छोटा इंटरव्यू और भी लेना है। सर एक और सवाल हम करते हैं, उस समय अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया जिस दौरान मतगणना नहीं हुआ है और अखिलेश यादव का बयान आता है मीडिया के सामने कि अब युवाओं को बाहर निकलने की जरूरत है। आपको पता है वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या ब्रह्म कुमारी मायावती जी हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी हैं, पूर्व हो या वर्तमान हो, सबके चाहने वाले तो होते ही हैं, तभी वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। तो अखिलेश यादव का बयान आया कि अब युवाओं को सड़क पे उतरना है, बाहर निकलना पड़ेगा, तो उस समय बयान आया, इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या इनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए? देखिए, इतने बड़े प्रदेश का वो दो दो उनका जो है मुखिया रहे हैं सपा के, और दो दो बार या वर्तमान हो, सबके चाहने वाले तो होते ही हैं, तभी वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। तो अखिलेश यादव का बयान आया कि अब युवाओं को सड़क पे उतरना है, बाहर निकलना पड़ेगा, तो उस समय बयान आया, इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या इनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए? देखिए, इतने बड़े प्रदेश का वो दो दो उनका जो है मुखिया रहे हैं सपा के, और दो दो बार जो है इन्होंने चुनाव, लेकिन ये अराजकताओं पर विश्वास रखते हैं, ये शांति भंग पे विश्वास रखते हैं, इनको शांति पसंद नहीं है। अगर इनको शांति पसंद होती, इतना बड़ा प्रदेश का अध्यक्ष हो के, मुखिया हो के, सीएम भी रह चुके हैं, इतने बड़े दावे, ये चीज़ को एक छोटा सा कोई कार्यकर्ता कहे तो उसके ऊपर लागू हो सकता है, लेकिन इनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ऐसा कहना मतलब इनका अराजकताओं पर विश्वास है, और जहाँ अराजकताओं पर विश्वास है वहीं इनकी हार है। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव, जिनसे भी इस बारे में हम पूछ रहे हैं, कोई यह नहीं कह रहा है कि उन्होंने सही कहा। सर एक नेता थे, विपक्ष के थे, चर्चित नाम है और किसी बड़े नेता के बेटे हैं और वर्तमान में आज की कंडीशन भी बहुत बुरी है, वो बोले थे चुनाव से मतगणना से पहले चुनाव के दौरान कि सरकार बनने पर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोल दिया है कि 6 महीने तक किसी पे कार्यवाही नहीं होगी, 6 महीने पहले हिसाब किताब लिया जाएगा, तो ऐसे नेताओं के बयान पर किस तरीके का बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, उन्होंने तो 6 महीने के लिए बोला था, और अभी तो लोकतांत्रिक प्रदेश है, अभी तो पूरे प्रदेश में वो 5 साल के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, और 6 महीने के लिए उनको बोला नहीं हम ट्रांसफर करेंगे, हो सकता है वो 5 साल तक रहे और 5 साल तक में उनका हिसाब किताब लेते रहे। तो बहुत बड़ी बात आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर। जी हाँ, बिल्कुल 273 के आंकड़े को पार करने की सीढ़ी पर पहुंच चुकी भाजपा, अभी भी मतगणना कई जगहों पे जारी है, प्रयागराज में भी मतगणना जारी है, फूलपुर की धरती प्रधानमंत्री की धरती कही जाती है, उस ऐतिहासिक धरती से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल जी, जी हाँ
तीसरी बार विधायक बने हैं, पहली बार बसपा से बने थे, दूसरी बार भाजपा से बने और पुनः तीसरी बार जीत हासिल की है। जी हां, वह जीत बहुत कम वोट की है। सबसे बड़ी बात मतलब एक एक वोट कहीं न कहीं प्रवीण पटेल के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है और इस वोट का मायने अगर निकाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर पार्टी नहीं है जो किसी एक नेता कैंडिडेट को पहचान सके। प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा के एक चर्चित हस्ती भी हैं और वह ईमानदार और बहुत ही कुशल नेता भी हैं। तो उस क्षेत्र के एक हम संघ के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जिनका नाम है संतोष त्रिपाठी। सर एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में तो 5 साल का काम बहुत हुए तो आप अब आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद करते हैं? कोई ऐसे काम बताएं जो आपके मन में चढ़ रहा हो सकता है बाबा जी न सोच पाए हो, सरकारें न सोच पाए हो या विधायक न सोच पाए हो, इस पे कुछ थोड़ा सा बताएं। हम इस पे ये बोलना चाहते हैं जैसे और भी कोई गांव जो वंचित हो रोड से, नाली से और भी तमाम जहां किसी प्रकार की असुविधाएं हैं वहाँ पे जो है विकास हो। तीसरी बार विधायक जी बने हैं प्रवीण पटेल जी, और निश्चित है प्रतिष्ठान होती तो 3 बार कोई विधायक क्षेत्र से नहीं बनता। तो लोगों का मानना है और कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अब इस बार निश्चित भारतीय जनता पार्टी को प्रवीण पटेल को मंत्री बनाना चाहिए, तो आप क्या आपको लगता है क्या मंत्री बनाए जाएंगे और बनाए जाएंगे तो किस उद्देश्य से बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे? देखिए प्रवीण पटेल तो मंत्री के लायक है क्योंकि बहुत सरल स्वभाव के और उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत सीधे साधे, ऐसा नहीं लगता कि वो 3 बार विधायक रहे हो। कोई भी आदमी के पास पहुंच जाए उसे बड़े नम्र भाव से उसको जवाब देते हैं और उसके बाद सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। और ऐसे लोग अगर मंत्री बनते हैं तो बाकी जो और मंत्री जो बागी होकर निकल गए, 5 साल मलाई खाई, 4.5 साल निकल गए, उनसे तो ये करोड़ों गुना अच्छा। तो आप एक छोटी सी बातचीत देख रहे थे शिवम नंदन त्रिपाठी के साथ प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से। आप बने रहे हमारे साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता ही नहीं। क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर।